told your friend you're not okay. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, की हालचाल, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में पहाड़ों से। तो मॉर्निंग का समय है, एक बार मौसम देख लीजिए, कितना प्यारा मौसम बना हुआ है आज। मज़ा आ गया सुबह सुबह जब मैं उठा। एक्चुअली कल थकान बहुत हो गई थी तो नींद काफ़ी देर में खुली, 7:30 बजे जैसा नींद खुली सुबह, थकान हो गया था। शाम को वीडियो एडिटिंग ये चीज़ें, तो थोड़ा समय लग गया था। जब सुबह सुबह उठा मैं बाहर के नज़ारे देख रहा था, क्या मज़ा आ गया। आप भी देख लीजिए एक बार मौसम कितना मस्त हो रखा है। तो फ्रेंड, कैसे लगे सुबह के नज़ारे? आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे बात पे एक लाइक जरूर कर देना। तो ब्लॉग से शुरुआत ही कर लेते हैं आज की। अब पहाड़ों में दिन तो शुरू हो गया है, अब देखते हैं आज दिन भर क्या क्या हो सकता है। चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे ऐसे आने वाले लेटेस्ट ब्लॉग के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत ही करते हैं। और सुबह सुबह इतना सुहावना मौसम इसलिए हुआ है क्योंकि रात को हुई है बारिश, सुबह के टाइम में हुई है बारिश, तो जिससे कि मौसम में चार चांद लगे हुए हैं आज। तो सुबह का समय है दोस्तों, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ क्योंकि सुबह मेरी एक ही ड्यूटी होती है, कच्चा लिंग मार्केट जाना और दूध पहुँचाना। और बारिश होने से ना पहाड़ों का मौसम एकदम खूबसूरत हो गया है, बहुत ही बेमिसाल मौसम। मैं रोड पे पहुँचने वाला हूँ, यहाँ से भी आपको नज़ारे दिखाता हूँ। तो ये देखिए सुबह सुबह का माहौल। तो दोस्तों अभी समय हो रहा है करीब 10:30 बजे का। घर पे आके नाश्ता वास्ता तो मैंने कर लिया है, बस पास में ऐसे ही घूम रहा था। मौसम की बात करूं तो मौसम तो इस प्रकार हुआ है, बारिश के आसार हो रहे हैं क्योंकि आसमान पूरा क्लाउडों से भरा है, बादल लगे हैं पूरे आसमान में। यहाँ पर हल्का सा कोना दिख रहा है नीला आसमान का, काफ़ी मस्त लग रहा है। और इस जगह की हरियाली तो आप देख ही सकते हैं। तो मैं कॉल कर रहा हूँ मम्मी का क्योंकि मम्मी गई है कसैली मार्केट को, चक्की पे गई हुई है, वहाँ पर गेहूँ हमने ले रखे थे, मम्मी गई है उनको चक्की पे पिसवाने के लिए। तो वो मुझे कॉल करेगी तो मैं चक्की पे जाऊँगा और उनको ले आऊँगा घर पे। तो वेट कर रहा हूँ मम्मी का, कब फ़ोन करती है। तब तक ऐसे ही घूम रहा था घर के आसपास में। जो पास में एक खूबसूरत से पेड़ देख रहे हैं, तो यहाँ पे से एक गधेरा बहता है, बट अभी तो नहीं बह रहा है क्योंकि उतनी बारिशें हुई नहीं है कि पानी फूटे ज़मीन से। तो मैं जा रहा था उसी तरफ को, आपको भी ले चलता हूँ क्योंकि बारिशों के टाइम में अगर ठीक ठाक बारिशें होती है, जब ज़मीन से पानी फूटने लगता है, तो पूरा एकदम मस्त गधेरा यहाँ से बहता है। तो हमारा एक स्रोत पानी का यहाँ पे भी है, देखते हैं इसमें कितना पानी है। इसमें तो थोड़ा बहुत है ही पानी। तो फ्रेंड मैं पहुंच गया हूँ उस गधेरे के पास में। यहाँ पे एक गधेरा तो आता है ऊपर साइड से, एक गधेरा आता है इधर लेफ्ट साइड से। और आजकल तो पूरा गधेरा वीरान सा पड़ा है क्योंकि वैसी बारिशें ही नहीं हुई हैं ताकि जो ज़मीन से पानी फूट पाए और एक गधेरा चल पाए, यानी कि बह पाए इसमें पानी। जुलाई का महीना भी चले जाता है, अभी उस प्रकार की बारिशें देखने को नहीं मिल रही हैं। ऊपर पूरा मस्त जंगल है। और आजकल ना पहाड़ों में सभी जगह देखिए पूरी मस्त हरियाली देखने को मिल रही है। पहाड़ों में भी मैं हमेशा कहता हूँ हर 2 महीने 3 महीने में अपना रंग बदलते रहता है। इससे पहले तो फूलों का सीजन था, तो सभी जगह चाहे जंगल हो चाहे अभी जैसे हरियाली दिख रही है आसपास, यहाँ बढ़िया से फूल दिखते थे, बढ़िया। जैसे बुरांस का फूल, जंगलों में पूरा जंगल एकदम लाल हो रखा था, इधर उधर सभी जगह फूल ही खिले रहते थे। तो फूलों का मौसम था, उसके बाद ये बरसातों का मौसम आ गया, तो इसमें सभी जगह घास उग गई, पेड़ पौधों में अच्छी सी जान आ गई, तो पत्तियाँ हरी भरी सी दिख रही हैं। तो इसके बाद फिर घास वास कट जाएगी, फिर अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। और उसके बाद आ जाएगा सर्दियों का सीज़न, तो सर्दियों में फिर बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो पहाड़ों में भी मौसम अपना रंग बदलते रहता है हर 2 महीने 3 महीने में। देखिए ना कितनी खूबसूरत लग रही है आजकल हरियाली, और ऊंची ऊंची चोटियां ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को टच कर रही होंगी, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे। तो फिलहाल तो दोस्तों सीन ये है, मैं आ चुका हूँ घर से। मैंने आपको बोला था ना मुझे चक्की की तरफ को जाना है क्योंकि मम्मी गई है, वहाँ गेहूं दिए थे तो आटा पीस दिया होगा चक्की वालों ने, तो ले आता हूँ। और इस तरफ को भी ना मौसम कितना शानदार बन रहा है देखना, चार चांद लगे हुए हैं आज मौसम में, कोई काफ़ी खूबसूरत मौसम। तो फाइनली दोस्तों आटे का कट्टा ले आया मैं, आधा कट्टा है ये देखिए।
मम्मी मुझे आधे रास्ते में ही मिल गई थी, तो वहाँ से उसके सर से मैं ले आया, तो मैं आ गया हूँ, तो इसको पहुँचाता हूँ फटाफट घर पे। करीब 35 किलो के आसपास में है, तो 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर से सर पे रखते हुए चल रहा हूँ, बस पहुँच ही जाता हूँ घर पे। फ्रेंड अभी समय हो रहा है शाम के 4:30 बजे का, खाना वाना खा के मैं भी सो गया था, तो अभी उठ रहा हूँ। मौसम की बात करूँ तो मौसम कुछ अभी ऐसा है, आसमान में मस्त क्लाउड लगे हुए हैं और हल्की सी धूप आ रखी है। देखिए इस तरफ को तो धूप नहीं है, बाकी इस तरफ को धूप आ रखी है, तो काफ़ी मस्त माहौल लग रहा है, नज़ारे भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो आप देखता हूँ कुछ काम हो सकता है, नाशपाती भी पहुँचानी है, एक दौरान नाशपाती कल बची हुई थी 6-7 पेटियाँ, तो वो आज बना दी हैं, तो उनको लेके फिर चलूँगा रोड पे। तो काम का समय भी हो ही चला है, तो चलते हैं अपने काम पे और काम को कंप्लीट करते हैं। बिल्ली भी आ रही बहुत टाइम बाद, आ जा, इसके 2 बच्चे भी हो रखे हैं छोटे छोटे, आ। और तो जो भी हो दोस्तों, धूप काफ़ी अच्छी लग रही है क्योंकि बारिश का सीज़न है, धूप कभी आती है कभी नहीं आती है, सुबह से धूप नहीं थी, अभी अभी धूप आ रही है, तो धूप काफ़ी अच्छी लग रही है, वेदर तो मस्त है। तो फ्रेंड ये देखिए, 1 कट्टा बना रखा है और 6 पेटियां बना रखी हैं, 2 पेटियां तो पहुँचा दी हैं भाई ने, 4 पेटियां ये रह गई हैं, तो इनको पहुँचाना है। और कल से ना नाशपाती आसपाती का सीन ख़त्म हो गया है, यानी कि आज ही सारी नाशपाती ख़त्म होगी, कल भी मैंने नाशपाती पहुंचाई थी और आज भी नाशपाती पहुंचानी है। कल जो जितना तोड़े थे नाशपाती लगभग इतनी इकट्ठी हुई, 8 कट्टे कल इकट्ठा हुए, 1 कट्टा और 6 पेटियां आज बना दी हैं, तो कम्प्लीट हो जाएगा नाशपाती का ढुलान। फाइनली दोस्तों घर से पेटियों का ढुलान तो हो चुका है, मैं लेके चला हूँ पेटी, पेटियाँ कल की ही तरह पहुँचाएंगे, आधे रास्ते तक मैं पहुँचाऊँगा, आधे रास्ते से भाई ले जाएगा, क्योंकि थोड़ा सफ़र कम हो जाएगा, काफ़ी लंबा जाना होता है। सामने जो एरिया देख रहे हैं, सामने आपको घर दिख रहे होंगे, उनसे भी काफ़ी नीचे जाना होता है, तो सामने तक मैं पहुँचाता हूँ और वहाँ से आगे को फिर भाई ले जाएगा, तो इससे ये होगा कि आसानी हो जाएगी काम में और जल्दी भी हो जाएगा, एक ही जने को लंबा नहीं पड़ेगा। आप रास्तों की हालत भी देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार के रास्ते हैं। तो फाइनल फ्रेंड नाशपाती का ढुलान कंप्लीट हो गया है, आधे रास्ते तक तो मैं ले आया, यहाँ से आधे रास्ते से भाई ले जा रहा है, ये देखिए। और नाशपाती भी फाइनल हो गई है, अब सीजन आएगा अगले साल ही, आज भी थोड़ा बहुत मेहनत हो ही गई शाम के समय में। और मैं इस चैनल पर यही आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, किस तरीके से हम लोग अपना जीवन जीते हैं, कितना हार्डवर्क हम लोगों का रहता है, तो ये इसी के रिलेटिव मैं आपके लिए डेली ब्लॉग लाते रहता हूँ। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ पहाड़ देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ की ज़िंदगी जीना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये होता ही है, क्योंकि टफ लाइफ रहती है पहाड़ों की। और शाम के इन खूबसूरत नज़ारों को क्या कहना चाहेंगे आप। तो फाइनली दोस्तों पहाड़ों में एक और शाम हो चली है और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आ रहे हैं शाम के समय में। तो इसी खूबसूरत शाम के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग में लेते हैं आपसे विदा, आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।